सो नेटफ्लिक्स और ब्लम हाउस प्रोडक्शन ने 2019 में एक मूवी रिलीज करी थी जिसका नेम है मर्सी ब्लैक। आज मैं इसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मूवी का कुछ रियल फैक्ट्स एंड ट्रूथ के बारे में बताऊंगा। और बेसिकली पूरी मूवी में इसी चीज़ का कन्फ्यूजन होता है कि मर्सी ब्लैक एंटिटी रियल है कि फेक है। और एक्चुअली में ये मूवी रियल इवेंट पे बेस्ड है जब 14 साल की दो लड़कियों ने अपनी दोस्त को 19 बार स्टैब करके मार डाला था और उनसे पूछने के बाद उनका कहना था कि ऐसा उनसे स्लेंडर मैन ने करने को बोला। सो ये टॉपिक काफी ट्रेंडिंग हो गया था स्लेंडर मैन वाला। इस मूवी में बस उस स्लेंडर मैन की जगह मर्सी ब्लैक को रख दिया गया है। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वॉक थ्रू एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की दिखाते हैं मरीना, जो अपने साथ हुए एक इवेंट के बारे में एक डॉक्टर को बताती है। इसके साथ क्या हुआ था वो भी आगे बताऊंगा। और फिर इसको इसी साइकियाट्रिक फैसिलिटी में रखा जाता है और इसकी ट्रीटमेंट होती है। और अब 15 साल बाद ये एडल्ट में चेंज हो गई होती है और काफ़ी हद तक मेंटली ठीक हो गई होती है। सो डॉक्टर इसको यहाँ से जाने देती है और मरीना की बहन एलिस इसको देख काफ़ी खुश होती है और अपने घर ले आती है, और जहाँ ऑब्वियसली ये मरीना छोटे में रहती थी। और एलिस एक सिंगल मदर होती है और इनके पेरेंट्स स्वर्ग सिधार गए होते हैं। और एलिस का एक 9 साल का बेटा होता है ब्राइस, जिसकी एक्चुअली अपनी एंट मरीना से अच्छी बॉन्डिंग बन रही होती है। और मरीना को स्टिल रात में नाइटमेयर्स आते हैं इसके बचपन वाले कांड की वजह से, मतलब ये अपने बचपन के कांड पूरी तरह भूली नहीं होती है। बट डिनर के टाइम एलिस का बॉयफ्रेंड विल मरीना से बात करता है, जिसमें वो इससे इसके बचपन में वही मर्सी ब्लैक वाले कांड के बारे में पूछने लगता है। बट मरीना उससे बोलती है कि इसको कुछ याद नहीं, वो सब भूल चुकी है। चलो मैं अब बता देता हूँ कि मरीना के साथ बचपन में क्या हुआ था। सो मरीना की एक दोस्त थी रेबेका, और ये पैरानॉर्मल चीज़ों में बिलीव करती थी। और रियलिटी में इसी ने मर्सी ब्लैक के बारे में मरीना को बताया था और इसी ने मरीना को इन सब चीज़ों में घसीटा था और इसे एक रिचुअल फॉलो करने के लिए बोला था, जिसमें ये दोनों अपनी तीसरी दोस्त लिली को 7 बार स्टैब करके मार देते हैं और उसकी फिंगर कट करके उस मर्सी ब्लैक को एज अ गिफ्ट दे देते हैं। ऐसा क्यों किया था अभी आगे पता चलेगा। बट रेबेका के हिसाब से ये सब मर्सी ब्लैक उसको करने के लिए बोल रही है, और मरीना भी रेबेका की बातों में मैनिपुलेट हो जाती है और पूरा रिचुअल कंप्लीट करती है। मूवी में वापस आते हैं तो विल भी मरीना को बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मर्सी ब्लैक वाली स्टोरी पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गई थी और लोग एक्चुअली में मर्डर कर रहे थे मर्सी ब्लैक का नेम यूज करके, और आज भी बहुत लोग मर्सी ब्लैक पे बिलीव करते हैं। और रात में मरीना के घर पे कोई अननोन पर्सन साइको बिच वाला स्टैचू फेंक के भाग जाता है, मतलब सच में मरीना को लोग जानते थे कि इसने मर्सी ब्लैक की स्टोरी को जन्म दिया है। और अब ब्राइस को दिखाते हैं, जिसको मर्सी ब्लैक की स्टोरी में काफी इंटरेस्ट आ रहा होता है। ये लोगों से मर्सी के बारे में पूछता रहता है, और जब ये अपने स्कूल की लाइब्रेरियन से इसके बारे में पूछता है तो वो इससे इंटरनेट पे सर्च करने को बोलती है। मतलब वह अगर बच्चा गन के बारे में पूछे तो उसके हाथ में गन थमा दो, वो भी लोडेड। और ऑब्वियसली ब्राइस डेस्परेट होने लगता है मर्सी ब्लैक की स्टोरी जानने के लिए। और इस साइड मरीना को विल आके परेशान करने लगता है कि मरीना से मर्सी ब्लैक के बारे में बार बार पूछता रहता है, जबकि मरीना उससे बात करने के लिए मना करती है। बट धोखे से मरीना उसके हैंड में कट कर देती है और वो यहाँ से चला जाता है। और रात में एलिस को अपने डस्टबिन में एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है, और इसको ऐसा लगता है कि ये विल ने किया है, और वो गाड़ी लेके सीधे विल के घर जाने लगती है इन दोनों को यहाँ अकेला छोड़ के। और ब्राइस मरीना से मर्सी ब्लैक के बारे में पूछने लगता है, और मरीना इसको सब सच बता देती है। इससे बोलती है कि जो मेरे साथ बचपन में हुआ था तब ये फुल्ली मेंटल स्टेट में नहीं थी। इसका कहना था कि मैंने और रेबेका ने अपनी एक दोस्त को बनाया था मर्सी ब्लैक को, ताकि ये लोनली फील ना करें और मर्सी ब्लैक इनकी विशेष पूरी कर सके लाइक सेंटा क्लॉस। ये बस 14 साल के बच्चे थे। और मरीना ब्राइस से साफ बोल देती है कि मर्सी ब्लैक बस हमारी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। और एलिस विल से जाके लड़ने लगती है कि तुमने क्या किया, बट वो देखती है कि विल एक्चुअली में मर्सी ब्लैक से रिलेटेड सारे केसेस को स्टडी कर रहा है, और इसीलिए ये मरीना से मर्सी ब्लैक के बारे में पूछता रहता था ताकि वहां से नॉलेज ले सके। और ये एक्चुअली में एक राइटर होता है, सो ये मर्सी ब्लैक की सारी नॉलेज इकट्ठा करके एक क्राइम बुक में लिखना चाहता है। बट जब एलिस यहां से चली जाती है सो इसकी विंडो से कोई पेड़ पौधा जैसा क्रिएचर आके इसको मार देता है। और अब ब्राइस को भी वो मर्सी ब्लैक आके हॉन्ट करने लगती है, और हमें इस टाइम बिल्कुल पता नहीं होता कि मर्सी ब्लैक इसे रियल में हॉन्ट कर रही है या सिर्फ ये हेलुसिनेट कर रहा है। बट इसको देख मरीना को ऐसा लगता है कि शायद मर्सी ब्लैक रियल में है। ये अपना बिलीफ तोड़ देती है कि मर्सी ब्लैक कुछ नहीं है, और एलिस मरीना की डॉक्टर को यहाँ कॉल करके बुला लेती है। फिर मरीना अपनी बचपन की दोस्त रेबेका को पता लगाती है, जिसके साथ इसने रिचुअल किए थे, और इसके घर जाती है जहाँ ये रेबेका और इसकी मॉम से मिलती है। और इसकी मॉम का कहना था कि रेबेका ने एक बार सुसाइड करने का ट्राई किया था बट मैंने उसको बचा लिया, तब से ये ऐसी ही एकदम शांत है। और मरीना को उसके घर में एक मैप दिख जाता है, बट रेबेका इसके पीछे अटैक कर देती है, सो ये वहां से मैप लेके भाग जाती है। और ब्राइस अब काफी स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है, बट वो लाइब्रेरियन इसे संभाल लेती है और इसे घर छोड़ देती है। और घर में इसका दोस्त इससे मिलने आता है, बट ब्राइस खेल खेल में काफी दिमागी तरीके से अपने दोस्त का गला चोक करने लगता है, बट फिर ये रोप कट कर देता है। और इसका कहना था
कि मर्सी ब्लैक ने इसे ऐसा करने के लिए बोला। और फिर उसी मैप का यूज करके मरीना एक जंगल जैसी जगह पहुंचती है और जमीन में इसे एक अंडरग्राउंड जगह मिलती है, एक बंकर जैसी, और ये उसके अंदर जाती है और एक्सप्लोर करने लगती है। और यहाँ इसे बचपन की सारी चीजें याद आती हैं कि इसने और रेबेका ने इस जगह को ढूंढा था और मर्सी ब्लैक वाले कैरेक्टर को अपने हाथों से बनाया था। बट इस साइड एलिस के घर में वो देखती है कि ब्राइस पूरी तरह से स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है और सिर्फ मर्सी ब्लैक के बारे में सोच रहा है। और उसके हिसाब से रूम के बाहर मर्सी ब्लैक है, बट उसकी मॉम को वहाँ कुछ नहीं दिखता। लेकिन गेट अपने आप बंद हो जाता है और एलिस को कोई एंटिटी विंडो के बाहर दिखती है, सो ये डर जाती है और ऊपर से नीचे गिर जाती है। और जब मरीना यहाँ आती है तो एम्बुलेंस एलिस को अपने साथ ले जा रही होती है और अब घर में सिर्फ ब्राइस और मरीना बचे होते हैं। और मरीना स्टिल ब्राइस से बोलती है कि मर्सी ब्लैक कुछ नहीं होती है, इसी ने उसकी स्टोरी को बनाया था। बट रात में ब्राइस अपने बेड से गायब हो जाता है और जब मरीना नीचे जाके देखती है तो ब्राइस वहाँ होता है, लेकिन मरीना पर कोई पीछे से अटैक कर देता है और ये बेहोश हो जाती है। और ब्राइस डर के बाहर जाता है तो वहीं लाइब्रेरियन बाहर खड़ी होती है और ब्राइस को अपने साथ चलने को बोलती है और इसकी एक फिंगर कटी हुई होती है। नहीं समझे ये कौन है, समझ जाओगे। फिर ये ब्राइस को लेके उसी अंडरग्राउंड जगह ले जाती है और इस साइड मरीना की डॉक्टर इसको होश में लाती है और मरीना ने उसको देख लिया था, जिसने इसको पीछे से अटैक किया था ये वही लाइब्रेरियन थी। और उसको याद आ जाता है कि वो कौन है, सो वो लाइब्रेरियन लिली होती है जिसको रेबेका और मरीना ने अपने रिचुअल के लिए स्टैब किया था और उसकी फिंगर कट करके मर्सी ब्लैक को दे दी थी। बट लिली मरी नहीं थी, ये किसी तरह बच गई थी। और मरीना को अपना पूरा पास्ट याद आ जाता है कि क्या हुआ था। सो देखो, हुआ ये था कि इन लड़कियों ने मर्सी ब्लैक को बनाया था, जो कि मेन प्लान रेबेका का था, यही लीड कर रही थी। और इन तीनों को मर्सी ब्लैक से अपनी अपनी विशेष पूरी कराने के लिए अपनी कोई चीज देनी होती है एज अ प्रॉमिस, और किसी की बॉडी का पार्ट देना होता है एज अ सेक्रीफाइस। लाइक रेबेका ने प्रॉमिस के फॉर्म में अपने ग्लव्स दिए थे और सेक्रीफाइस के फॉर्म में लिली की एक फिंगर। और इसकी विश थी कि इसके अब्यूसिव डैड गायब हो जाएं, और रिचुअल पूरा कंप्लीट हो गया था तो इसके डैड कभी घर वापस नहीं आए थे। ये बात मरीना को रेबेका की मॉम ने बताई थी और बाकी इन दोनों ने भी कुछ प्रॉमिसेस किए थे मर्सी ब्लैक से, बट सेक्रीफाइस ये नहीं कर पाए थे, सो इनकी जो भी विश थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। बैक टू द मूवी, हम देखते हैं कि ब्राइस उसी अंडरग्राउंड प्लेस में होता है और मर्सी ब्लैक को अपनी कोई चीज देता है, इसका मतलब इसने प्रॉमिस ले लिया मर्सी ब्लैक से, इसको भी रिचुअल पता है। और यहाँ मरीना आती है डॉक्टर के साथ, बट डॉक्टर को पीछे से आके लिली मार देती है और वो भी अंदर आ जाती है। और यहाँ लिली सब कन्फेस करती है मरीना से, इसका कहना था कि यही थी इन सबके पीछे, मतलब इसको बहुत ट्राई करना पड़ा मरीना को सब याद दिलाने के लिए कि उसने मर्सी ब्लैक से प्रॉमिस किया था, मतलब इसी ने शायद वो साइको बीच वाला स्टैचू इसके घर फेंका था और इसके घर में यही इसको हॉन्ट कर रही थी और इसके डस्टबिन में भी वो डेड बॉडी इसी ने डाली थी। और लिली बोलती है कि इसको बहुत गलत काम करने पड़े, सो शायद विल को भी इसी ने मारा था वो मर्सी ब्लैक की यूनिफॉर्म पहन के। और ब्राइस यहाँ से भाग जाता है, बट इन दोनों के बीच फाइट होती है और उस रिचुअल के टाइम मरीना ने ही लिली को चाकू से स्टैब किया था, सो सेम लिली भी मरीना के पेट में चाकू घुसेड़ देती है और ब्राइस को मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाती है। और मरीना थोड़ी हिम्मत दिखा के ब्राइस को बचा लेती है और लिली को जान से मारने लगती है, बट फिर इसको रियलाइज होता है कि लिली ऐसा ही चाहती है कि इसको मार दिया जाए ताकि इसका सेक्रीफाइस कंप्लीट हो जाए। ये बहुत ज्यादा डूबी हुई होती है मर्सी ब्लैक के फेथ में, इसकी बातों से ये बात पता चल रही होती है, लेकिन मरीसा इसे नहीं मारती। ये इसका प्लान समझ जाती है कि अगर इसका सेक्रीफाइस कर दिया तो रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा और मर्सी ब्लैक वापस आ जाएगी। बट यहाँ नेक्स्ट ट्विस्ट आता है कि ब्राइस आके लिली को मार डालता है और इसकी आंख को एज अ सेक्रीफाइस दे देता है, क्योंकि आपको याद होगा इसने भी प्रॉमिस कर लिया था उस बंकर में मर्सी ब्लैक से। और अब रिचुअल कंप्लीट हो चुका, सो मर्सी ब्लैक अपने ट्रू फॉर्म में यहाँ आ जाती है और इसके पास अब एक आंख भी होती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो मैं अब पूरी मूवी को कंक्लूड कर देता हूँ। सो सी, तीन लड़कियां थी, मरीना, रेबेका एंड लिली। इन तीनों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो इन लोगों ने अपनी एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाई मर्सी ब्लैक, ताकि इनका अकेलापन दूर हो पाए और ये बिलीव करें कि वो इनकी विश पूरी कर देगी। बट रेबेका जो पैरानॉर्मल थिंग्स जानती थी, उसने विच क्राफ्ट का यूज करके मर्सी ब्लैक और इसके रूल्स को बनाया था, जिसकी वजह से कोई डार्क स्पिरिट या कोई डीमन इनके मर्सी ब्लैक के फॉर्म में आ गया था। और जब इन तीनों ने अपने फर्स्ट रिचुअल का अटेम्प्ट किया लिली का सेक्रीफाइस करके, सो वे रिचुअल कंप्लीट हो गया था और इनके सामने मर्सी ब्लैक अपने रियल फॉर्म में आई थी, जिसकी वजह से ये दोनों मेंटली इल हो गई थी और इनको पागलखाने भेज दिया गया था। बट यहाँ लिली मरी नहीं थी, वो बच गई थी और एकदम अकेली हो गई थी, बट इसके अंदर मर्सी ब्लैक को लेकर फेथ और बढ़ गई थी। और मूवी में एक्चुअली में मर्सी ब्लैक को रियल दिखाया गया है और विल जिन केसेस को स्टडी कर रहा था वो सब रियल थे, मर्सी ब्लैक के रिचुअल की वजह से हुए थे। और लिली ने ही विल को मारा था, मर्सी ब्लैक के ऊपर वो बुक लिख रहा था इसलिए। और रेबेका पूरी तरह पागल हो गई थी, बट मरीना सही सलामत घर वापस आ गई थी, इसीलिए ब्राइस को लिली मैनिपुलेट करने लगती है, इसके अंदर मर्सी ब्लैक के टूवर्ड्स फेथ जगाने लगती है। और लास्ट में ब्राइस पूरी तरह मर्सी ब्लैक पे बिलीव कर लेता है और इसने रिचुअल भी कंप्लीट कर लिया था और इसी वजह से मर्सी ब्लैक फिर से अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। और मर्सी ब्लैक एक्चुअली में तभी पावरफुल होगी जब उस पर कोई बिलीव करेगा। मूवी में कई जगह दिखाया गया है
जो मर्सी पे बिलीव नहीं करता उसको ये एंटिटी नहीं दिखती। सो मर्सी ब्लैक पे बिलीव करना ही इसको सबसे डेंजरस बनाती है। और अब आगे अब क्या हुआ होगा मरीना के साथ और ब्राइस के साथ, और ब्राइस का क्या प्रॉमिस था, मतलब उसकी विश क्या थी, ये सब मूवी में कहीं नहीं दिखाया गया। ये अब आपकी सोच के हिसाब से डिपेंड करता है, आप ही गेस करो क्या हो सकता है। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।